हर हर महादेव। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल डे टू उज्जैन यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। यह हमारी उज्जैन यात्रा का दूसरा दिन है। इससे पहले की वीडियो में हमने ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए थे और आज हम उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा आज का टूर प्लान समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि उज्जैन में वैसे तो काफी सारे मंदिर हैं, पर उनमें से जो प्रसिद्ध मंदिर है आज हम उनके दर्शन करेंगे, जैसे संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवा, काल भैरव, गढ़ कालिका और भरतरी गुफा। ये सारे मंदिर महाकाल मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है और मंदिर परिसर के आसपास जो मंदिर है वह विक्रमादित्य मंदिर, माँ हरसिद्धि मंदिर, बड़ा गणेश और राम घाट, जो कि शिप्रा नदी के प्रमुख घाटों में से है। तो अब बात आती है कि इतने सारे मंदिर हम एक दिन में और एक साथ कैसे घूमें। तो जवाब है, सुबह जल्दी उठें और उठते ही अपनी सुविधा के हिसाब से ऑटो या ई रिक्शा कर लें। आपको आपके होटल के बाहर से या मेन रोड से इजीली आपको ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपसे 300 से 400 रुपए के चार्ज में आपको इन सभी जगह घुमा देंगे। ऑटो वाले से बार्गेनिंग कर लेना। उसके बाद दिन में कुछ लंच करने के बाद आप शाम होते होते शिप्रा घाट पे आरती अटेंड करने चले जाइएगा और आरती करने के बाद आप वहां से सीधा महाकाल लोक के दर्शन करने चले जाइएगा। वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब जगह के दर्शन एक साथ में अपनी वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ इस यात्रा में आपको आनंद आए। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हर हर महादेव। अभी हमने सारी जगह घूमने के लिए एक बैटरी रिक्शा की है जो हमें सारे मंदिर घुमाएगा। तो ये जो भैया अभी हमको लेके जा रहे हैं आपको बताएंगे अभी आज ये हमको कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो ये आज पूरा दिन हमारे साथ ही रहेंगे और जो भी मंदिर है ये सारे मंदिर हमको। तो भैया कहाँ कहाँ लेके जाएंगे आप हमें? शांतिपनी आश्रम, गढ़ कालिका माता मंदिर, काल भैरव, मंगलनाथ। अभी हम अपने पहले मंदिर आए हैं जो कि है महर्षि संदीपनी आश्रम। इस पवित्र स्थान को महर्षि संदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता है जो उज्जैन में स्थित है। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा जी ने 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। यह वह तपोभूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष विद्या, त्रिशस्त्र जैसी 64 विद्या और 16 कलाएं केवल 136 दिनों में ही प्राप्त कर ली थी। इस आश्रम परिसर में एक विशाल कुंड है जो गोमती कुंड नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ली गई सभी शिक्षाएं बड़े सुंदर चित्र द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब वक्त हो चला था दूसरे मंदिर जाने का। पूरे विश्व में एकमात्र श्री मंगलनाथ जी के मंदिर। जानकारी भैया कि आप लोग आज जिस मंदिर पर आए हो ना दर्शन करने, ये मंदिर पूरे भारत विश्व में एकमात्र मंदिर है 9 ग्रह के अंदर से। यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का। इस मंदिर की विशेषता है ये जो मंदिर बना ना पूरे भारत के नाभि के स्थल पर बना हुआ है। जैसा अपना इंसान का नाभि होता है यहाँ पर पूरे भारत का नाभि का स्थल है कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा इसी मंदिर के बीचों बीच से निकली है। यहाँ से गई है महाकाल, महाकाल से गई है सोमनाथ। आप लोग भारत में जितने भी शिव मंदिर में जाते हो शिव जी का सवारी हमेशा आपने नंदी के ऊपर देखा है, लेकिन यहाँ पे आपको नंदी नहीं मिलेगा। नंदी की जगह भेड़ का सवार देखने को मिलेगा, भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है। और आप उज्जैन में आए वो दर्शन करने तो प्रसाद केवल आपको 3 जगह चढ़ाना है, महाकाल, काल भैरव और मंगलनाथ। काल भैरव पर शराब चढ़ाते, मंगल ग्रह को यहाँ पर मंगलनाथ चढ़ाते। मंगल के दान में चढ़ता है दानी मुंगा, मसूर की दाल, गेहूं लाल कपड़ा, श्रीफल और फूल। ये दान है जो कि आपका नाम और गोत्र बोल के फिर मंदिर में चढ़ा देना है। नाम बोलोगे तो आपका लगेगा, गोत्र बोलोगे तो परिवार का लगेगा। बाकी में से यंत्र, माला, फोटो, प्रसाद और धागा 5 चीज वापस घर के लिए मिलता है। परिवार का दान आता है 150 का, 150 रुपए का। आपका नाम गोत्र बोल के मंदिर में चढ़ा देना, पैसा आने के बाद में देना। मंगलनाथ मंदिर के भी दर्शन हो गए हैं हमें, अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे मंदिर काल भैरव। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है।
भगवान काल भैरव को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त है कि उनके दर्शन से पहले काल भैरव की पूजा की जाए। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। यह मंदिर एक रहस्यमय मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाई गई मदिरा का आज तक पता नहीं लगा कि वह मदिरा कहाँ जाती है। काल भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर विक्रांत भैरव जी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष है। ऐसी मान्यता है इस स्थान पर की गई तंत्र क्रिया असफल नहीं होती। तो ये हमारे तीसरे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। श्री काल भैरव जी के दर्शन बड़े अच्छे हुए। अभी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम आए हैं।